Assalamualaikum, welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'll be showing you guys Islamic wear haul from Meesho Ramzan special. Part 2 है ये, part 1 मैंने already upload कर चुकी हूँ. So without any further ado, चलो video start करते हैं. आज मैंने prayer dress और नहीं not prayer dress तो मैं पहले वाले में दिखा चुकी हूँ. आज मैंने जिलबाब, हिजाब, मकाना, खीमर सब कुछ purchase की हूँ. So without any further ado, चलो start करते हैं. स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैंने परचेस की हूँ प्रेयर मैट. इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तो सबसे पहले यही शेयर कर देते हैं. ये मुझे 650 रुपीज का पड़ गया है एंड गाइस जैसा पिक्चर में था वैसा ही रिसीव हुआ है. माशाल्लाह इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है. इसका जो लेंथ विड्थ है ये भी अच्छा खासा है, ठीक है. देख सकते हो ये कितना बड़ा आ जाता है, मैं आपको दिखा रही हूँ. इट्स गुड इनाफ, ठीक है. मेरे हस्बैंड को और भी बड़ा वाला प्रेयर मैट लगता है, पर मेरे लिए ये सही लगा मुझे, ठीक है. एंड इट्स नाइस. अभी रमजान के टाइम पे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो. अगर आपका खराब हो गया है तो आप नया भी ले सकते हो. 600 रुपीज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है. इसमें कलर ऑप्शन आपको दो ही मिल जाते हैं. देख सकते हो पूरा सा वेलवेट टेक्सचर आ जाता है. ये नॉर्मली दूसरे जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा है. ऐसा मैंने बेज कलर का मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ. साइड में मैं कहीं वीडियो लगा दूंगी. हाँ, तो वो वाला मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से ली थी. बहुत महंगा ली थी मैंने, पर मुझे ये सिमिलर ही मीशो में एकदम सेम टू सेम ही है. कलर डिफरेंस है बस, सिमिलर मुझे 600 रुपीज़ का. सॉरी, डिटेलिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे. पीछे से ये कुछ ऐसा लगता है. इट्स नाइस. आई वुड हाईली रिकमेंड. मैंने कभी नहीं सोची की थी मैं प्रेयर मैट मीशो से परचेस करूँगी एंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड. आई वुड हाईली रिकमेंड आप इसको अच्छे से फोल्ड करके रख सकते. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट मैंने मकाना परचेस की थी. पिक्चर में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, पूरा लेस डिटेलिंग और एकदम लंबा सा लग रहा था, इसीलिए मैंने परचेस की थी 500 रुपीज़ का. एंड दिस इज वॉट आई रिसीव्ड. एकदम ही अलग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है. ये मुझे नॉर्मल जो मकाना होता है जो मीशो में 200-300 रुपए का, ये मुझे वो लोग ने वो वाला भेज दिए जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. देख सकते हो उसमें कुछ भी लेस नहीं दिया गया है, यहाँ पर भी लेस डिटेलिंग नहीं दिया गया. यार मीशो वाले लोग ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिए, तो मैं इसको कर रही हूँ रिटर्न. ये एकदम सिंपल सा मकाना है. ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, तो आप चाहे तो वही लिंक से परचेस कर सकते हो. सिर्फ ये मकाना आपको 200-300 रुपए का ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा महंगा नहीं होता है. ये नहीं कि हम लोग अरबी वगैरह पढ़ने जाते थे जैसे आप मकाना पहनते, कुछ वैसा मकाना है. सहरी वगैरह पे जब भी आपको ऐसा ना कुरान वगैरह पढ़ना रहेगा, पूरा प्रेयर ड्रेस पहनना बहुत लंबा हो जाता है, तो सिर्फ आप ये हिजाब भी पहन सकते हो. जब आप कुछ जिक्र कर रहे हो तब आप पहन सकते हो. इसीलिए इसका नॉर्मल जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी. जो लिंक से मैंने परचेस की थी वो मत लेना. लेस वाला मैंने सोची थी मकाना मिलेगा, पर ये प्लेन वाला मिल गया है. लाइक्रा मटेरियल का है. 500 रुपये इसके लिए इज अ वेस्ट. आई वोंट रिकमेंड. ये वाला मत लेना. मेरे साथ फ्रॉड हो चुका, आपके साथ नहीं होना चाहिए. तो लेस वाला ऐसा ये लोग दिखाते हैं और रिसीव मुझे ये आ गया है. तो आई डोंट नो, अगर आपको सही वाला रिसीव हो गया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे तो सही वाला नहीं रिसीव हुआ है, मुझे एकदम नॉर्मल वाला रिसीव हुआ है. सो या, इट्स अ वेस्ट. अगर आपको ऐसा मकाना चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये मत लेना, ठीक है. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट. आई गॉट दिस खीमर जो कि मुझे 900 रुपीज़ का पड़ गया है. इट्स एक्सपेंसिव आई नो, बट क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी रिसीव हो गई है. पहनने के बाद में कैसा लगता है साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी. बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है. इसमें आपको अलग अलग ऐसी ना डोरी मिल जाती है. ये जो डोरी है ना, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आपको ये टाई करनी होती है अंदर से. वीडियो में यहाँ पे लगा दूंगी. और ये वाला जो आता है ना बड़ा वाला, ये आप पीछे बांध सकते हो या फिर आगे बांध सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपके फेस पे सूट करता है. और आप इसी को लेके नकाब भी कर सकते हो. और इसके आगे देखो ऐसा कुछ पूरा कवरेज मिल जाता है, सर लेयरिंग मिल जाता है, फुल कवरेज मिल जाता है. इंशाल्लाह अगर आप उमरा का प्लान कर रहे हो देन डू ट्राई दिस आउट, दिस खीमर. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर उमरा आई वुड रिकमेंड इंशाल्लाह वाइट कलर का लेना. बहुत अच्छा लगता है ऐसा ना, एकदम व्हाइट कलर पहनते हैं तो
एकदम है ना एंजल वाली वाइब्स लगती है मुझे. लाइक आई पर्सनली लव वाइट कलर. तो या ऐसे फिश टेल जैसा इसका बैक मिल जाता है, पीछे से पूरा कवरेज मिल जाएगा, आगे से पूरा कवरेज मिल जाएगा. और क्या चाहिए, ऐसा लेयरिंग डिटेलिंग मिल जाता है इसमें. इट्स नाइस, आप नकाब करके भी पहन सकते हो इसको, एज अ हिजाब खीमर भी पहन सकते हो. इट्स नाइस, थोड़ा सा महंगा है पर क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है. इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके लिए थोड़ा महंगा है. अब बढ़ते हैं हमारे जिलबाब पे. फाइनली मैंने और भी जिलबाब ट्राई की मीशो से एंड आई एम शॉक्ड विद द क्वालिटी. ये जिलबाब मिल गया है 1500 रुपीज़ का, जिसमें आपको टू पीस मिल जाता है, टू नहीं बोलूँगी थ्री पीस. इसमें आपको एक स्कर्ट मिल जाता है, ठीक है, और इसमें आपको मेन चीज़ मिलती है इसका हिजाब खीमर, जिसको आप सिर्फ एज अ खीमर भी यूज़ कर सकते हो. आपको 900 रुपये का अलग खीमर लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर यूजिंग दिस तो आप ये ऐसे ही खीमर जैसे भी इसको पहन सकते हो. इसका भी जो कवरेज है ना वो खीमर से बड़ा आता है, मतलब ये ऑब्वियसली जिलबाब का है ना, तो बहुत ही बड़ा इसका कवरेज मिल जाता है. कैसे पहनते, कैसे आप स्टाइल करते, मैं सब कुछ यहाँ पे मैं आपको वीडियो लगा दूंगी. एंड इसके ऊपर आप चाहे तो ये जो यहाँ पे एरिया आता है ना, ये छोटा जो टेसल्स दिख रहा है ना आपको, इसी को आप यहाँ पे बांध के भी नकाब कर सकते हो. पर इसमें और एक्स्ट्रा नकाब भी आ जाता है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा. तो ये एकदम छोटा सा नकाब आ जाता है, ये भी आप ऐसे लगा सकते हो. ओवरऑल पहनने के बाद में कैसा लगता है पूरा वीडियो मैं साइड में दे रही हूँ, देख सकते हो. आई वुड हाईली रिकमेंड. मैंने बहुत सारे कलर्स इसमें ट्राई करी, क्वालिटी अच्छी आ गई है, ठीक है, क्वालिटी इज़ नाइस. थोड़ा थिक मटेरियल है, थिक नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. ऐसा ना डार्क बॉटल ग्रीन कलर आ जाता है ये. इट्स नाइस. 1500 रुपीज़ इज़ लिटिल एक्सपेंसिव बट क्वालिटी के हिसाब से ठीक है. ओके, अब बढ़ते हैं हमारे एकदम अफोर्डेबल जिलबाब में. नेक्स्ट मैंने टू पीस नहीं वन पीस जिलबाब परचेस की हूँ, जो कि मुझे 800 रुपीज़ का. आई गॉट दिस जिलबाब ओनली फॉर ₹884, ठीक है. ये 800 रुपीज़ का मुझे जिलबाब आ गया है. ये वन पीस जिलबाब है, ठीक है. इसमें आपको दो ऐसा कुछ नहीं पहनना है. ये जिलबाब है जिसको आप ना एज अ बुरखे की जगह पे आप इसको पहन सकते हो. इट्स नाइस, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ. इसके स्लीव में ऐसा इलास्टिक मिल जाता है, तो इंशाल्लाह अगर आप उमरा के लिए वगैरह जा रहे हो तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो. इलास्टिक है तो आप घड़ी घड़ी ऊपर करके वजू भी आराम से बना सकते हो. एंड देख सकते हो सेम इसका तो आपको पता चल ही रहेगा. ये जो आता है इससे आप ऐसे नकाब भी बांध सकते हो अंदर की तरफ बांध के, या फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसे करके बांध सकते हो, आपकी मर्जी. मैं आपको बस ऐसे अभी पहन के दिखा रही हूँ, पीछे की तरफ बांध लिया एंड हो गया, दैट्स इट. सुपर इजी, एकदम इजी टू वेयर जिलबाब आ जाता है 800 रुपीज़ में. और क्या चाहिए, इसी से आप नकाब भी कर सकते हो. तो या इट्स रियली रियली नाइस. मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा आ गया है, बहुत अच्छा, मतलब हाँ है, थिक मटेरियल है, कुछ भी ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं लगेगा. इट्स नाइस, ठीक है, गर्मी के लिए भी सही है. इसमें आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी. कॉटन मटेरियल नहीं है, क्रेप ही है मटीरियल, बट इट्स नाइस, ठीक है. नीदा मटेरियल बोलते हैं कुछ वैसा है. आई लाइक इट, एकदम मॉडेस्ट सा है, लूज सा है. देख सकते हो कितना लूज है, बहुत अच्छा लगा. पर एक चीज़ है, जैसे आप हाथ ऐसे उठाओगे ना तो याद रखो नीचे से भी ऐसा उठ जाएगा, तो आप इसको नमाज के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है. नमाज के लिए आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही उठेगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप बाहर आने जाने के लिए रखना. इट्स नाइस, ठीक है. उमरा वगैरह के लिए अगर आप सोच रहे हो देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. पहनना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, उतारना भी बहुत ज़्यादा ईजी है. नेक्स्ट आई गॉट दिस हिजाब, जो कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए परचेस की. हमारे यहाँ पे आई लिव इन केरला, सो हमारे यहाँ पे अबायास के ऊपर ना ऐसे हिजाब पहनते हैं जिससे बहुत अच्छा कवरेज मिलता है. मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. यहाँ पे ज़्यादातर जो भी ऐसा एजेड लोग रहते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर ऐसा ही पहनते हैं, पर नॉर्मल लोग भी पहन सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी. बस मैं बता रही हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. हिजाबी से हिजाब, इसको हम लोग हिजाब बोलते हैं यहाँ पे, और जो हम लोग दुपट्टा पहनते हैं ना उसको केरला में हिजाब नहीं बोलते, उसको हम लोग शॉल बोलते हैं. तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इसमें फ्रंट और बैक कवरेज मिल जाता है. अबाया पहनोगे उसके ऊपर ये आता है. यहाँ पे साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी. पीछे से फुल कवरेज मिल जाता है, देख सकते हो एकदम फुल कवरेज. यहाँ से पूरा सा हाइड हो गया है, यहाँ से आगे से भी पूरा सा हाइड हो गया है.
चेस्ट वगैरह एवरीथिंग इज सो गुड. और इसका जो फेस कट है ना, ये कुछ ऐसा आता है, इट लुक्स नाइस. और कुछ फेस कट पे बहुत अच्छा लगता है, मुझ पे अजीब लग रहा है क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना इसके लिए. मैं ऐसे लाइक मैं हिजाब ऐसे पहनती हूँ इसके लिए, बट मेरी मदर इन लॉ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, शी इज़ वेरी हैप्पी. इसमें साइड में ऐसी लेस डिटेलिंग मिल जाती है, इट्स नाइस. कवरेज के लिए अबाया के ऊपर ऐसे ही पहन लो, आपको फुल कवरेज मिल जाएगा. इट लुक्स वेरी वेरी मॉडर्स्ट. आई वुड हाईली रिकमेंड. आप अपनी मदर को, मदर इन लॉ को, सिस्टर को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो या फिर खुद के लिए भी परचेस कर सकते हो. ओनली फॉर ₹500 यू विल गेट दिस. मटीरियल बहुत अच्छा मटीरियल आया है. आई एम रियली हैप्पी विद द मटीरियल क्वालिटी. और इसमें ऐसा फ्रंट में ऐसा लेयरिंग आ जाता है ना, जिसके वजह से ऐसा शेप भी नहीं दिखता है आपके बॉडी का. सो आई वुड हाईली रिकमेंड, डू चेक दिस आउट. और एकदम ऐसा फ्री भी है, तो आपको ऐसा हाथ में ना थोड़ा इरिटेट भी नहीं होगा. आप कुछ भी ऐसा उठा के एकदम काम वगैरह भी कर सकते हो ये पहन के. इट्स नाइस, ठीक है. इसको उतारना भी बहुत ज़्यादा ईजी है. एंड या उतर गया, दैट्स इट. यार मेरा हिजाब खराब हो गया. वन मोर जिलबाब लाइक खीमर, ठीक है. ये जिलबाब का जैसा ऊपर का एरिया आता है सिर्फ, ये वो है. ₹600 का ये मुझे मिल गया है. अगर आपको फुल जिलबाब नहीं पहनना, इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन ट्राई दिस. थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई कर सकते हो इंशाल्लाह दिस रमज़ान. तो या देर आर मेनी पीपल जो कि इंशाल्लाह इस रमज़ान से हिजाब पहनना शुरू करेंगे. ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. अगर आप हिजाब पहनने का सोच रहे हो देन मैं अल्लाह गिव यू हिदायत. ये कुछ ऐसा रहता है, ये मैं दिखा देती हूँ. आप थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर सकते हो अपने आप को कवर करना. एंड या इट्स नाइस. ये सबसे ऊपर का पार्ट आता है, नीचे तक नहीं आता है. ये देख सकते हो एकदम, मतलब इतना ही पोर्शन दिख रहा है मेरा, बाकी फुल कवरेज मिल जाता है. इसको भी आप ऐसे नकाब भी कर सकते हो इसके साथ में, और बिना नकाब के ये इसको अगर आप अंदर डालोगे, ठीक है मैं आपको करके दिखाती हूँ. आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, मैं आपको ऐसे ही पहन के दिखा देती हूँ एक बार. बहुत अच्छा लगता है, इसमें और भी कलर मिल जाएंगे आपको. इट्स नाइस. स्लीव में इसके ऐसे आपको इलास्टिक मिल जाता है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. जितना मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा अच्छा लगता है रियल में. जब आप उसको पहन के बाहर जाओगे ना, इट लुक्स वेरी वेरी मॉडर्स्ट एकदम ऐसा ना. लेकिन ऐसा लगता है कि बस अभी एकदम ऐसा दीनी इस्लामिक, बहुत अच्छा लगता है ना. दिखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ₹600 का है, बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे. नकाब भी कर सकते हो आप इससे, इट्स नाइस, ठीक है. Now let's move to our last purchase. Lastly, मैंने ऐसे ही एक और ये खीमर हिजाब बोल सकते हो, ये मैंने परचेस किया. बट ये कलरफुल आ जाता है, सेम टू सेम जैसे मैंने आपको अभी दिखाई वैसे ही आ जाता है. पर इसमें अंदर कॉटन की लाइनिंग मिल जाती है और बाहर से शिफॉन मटेरियल आ जाता है. ये थोड़ा सा आपको प्रिंटेड मिल जाएगा. अभी तक जितना मैंने आपको दिखाई थी सब प्लेन था, बट आ जाता है. इट्स सेम जो मैंने आपको पहले दिखाई वैसा ही है. चलो मैं इसको पहले पहन के ट्राई करना है, ठीक है. आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी टाई कर सकते हो, पीछे भी टाई कर सकते हो. और इसमें अंदर कॉटन की लाइनिंग दी गई है. मुझे ये ना प्लेन वाले मुझे ज़्यादा पसंद है, पर अगर आप चाहो तो ये प्रिंटेड वाला भी ट्राई कर सकते हो. ये मुझे एकदम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप बताना आपको ये कैसा लगा. ये मुझे ना लाइक मुझे से प्रिंटेड पेन की आदत नहीं है, तो या इसीलिए थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट दिस. आप इसको घर में भी पहन सकते हो, बाहर आने जाने में भी पहन सकते हो, और नमाज के वक्त भी पहन सकते हो, ठीक है. इट्स नाइस, इट्स नाइस. मैं इसको आगे की तरफ बांधी तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है. आप बताना आपको ये कैसा लगा. इसमें कॉटन की लाइनिंग दी गई है अंदर, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, इतनी ही लाइनिंग आ जाती है, देख सकते हो. बाकी ये पूरा सा शिफॉन मटेरियल है, तो ये ट्रांसपेरेंट है भाई. इसका फ़ायदा ही क्या है यार. नहीं यार, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी. पीछे से मतलब है लाइनिंग है, पर आपको ये लाइनिंग खोलना पड़ेगा, वरना इससे ना पूरा विजिबल होगा. तो ये मुझे बहुत अजीब लगा है. आई वोंट रिकमेंड दिस, ठीक है. मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, इसीलिए नहीं रिकमेंड कर रही हूँ. आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. पर ये जो अंदर की लाइनिंग है ये ऊपर चढ़ गई है, तो इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया. ये अभी तक का मैंने जितना दिखाई थी वो सब चीज़ मुझे अच्छी लगी है, पर ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. देख सकते हो आप इसको एज अ नकाब भी यूज़ कर सकते हो. ये नहीं कि बाइक में स्कूटर चलाने वाली लड़कियाँ पहनती है, ये कुछ वैसा लगा है मुझे. तो या इट्स ओके ओके, अच्छा नहीं है. बट अब
सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेरे ये वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए रमजान मुबारक. अपना बहुत 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 ध्यान रखना और दूसरों को जज मत करना. प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में हेट मत देना. नहीं पसंद आया तो मत देखो. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय.